कौन है तुम? मैं पूछती हूँ कौन हो तुम? मैं तुम दोनों से बात कर रही हूँ, दीवारों से नहीं, समझे? कहाँ गए सब नौकर? क्या किसी सीआईडी से पूछूं? उल्टा जवाब देती है, बदतमीज। आई मुझे बदतमीज कहा? तू? मैं तेरे सारे दांत तोड़ के असली घी के हलवे में छोड़ के बदाम की तरह चबा चबा के खा जाऊंगी, समझी? शराब। ए शराब वाली, जरा जबान संभाल के बात कर, वरना तेरी जबान कट 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 काट के कटलेट बना दूंगा और तुझी को खिला दूंगा, समझे? घबरा गई बेचारी। ओह सॉरी। अरे बेटी, हम तो मजाक कर रहे थे। बेटी, हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे हस्बैंड की तरफ से। हाँ, अंकल आंटी। तुम्हारे फादर इन लॉ ने घर का सारा हाल हमें खत में लिखा था, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। हाँ। ओ तो उन्होंने मेरी शिकायत की है? नहीं बेटी, उन्होंने तो कोई शिकायत नहीं की, लेकिन ये बात तुम्हारे मन में आई कैसे बेटी? क्या तुम कोई गलत काम कर रही हो? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। उन्होंने तो सिर्फ इतना ही लिखा था कि तुम पे जिम्मेदारियों का बहुत बड़ा बोझ है, कहीं तुम सेक्रेटरी हो, कहीं जॉइंट सेक्रेटरी हो, कहीं प्रेसिडेंट हो। तुम्हारे पास इतने काम रहते हैं, इतने काम रहते हैं कि तुम अपने बच्चे की देखभाल भी नहीं कर पाती। यू मीन कि मैं अपने बच्चे के लिए अपने सारे काम छोड़ दूं? नो 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 नो, कौन बेवकूफ का बच्चा ये कहता है? हम क्या बच्चों की खातिर अपनी खुशियां कुर्बान करते हैं? नेवर, दुनिया में आज तक कभी भी ऐसा हुआ है? अरे हम बच्चे पैदा करते हैं अपने खुशी के लिए, बच्चों की खुशी के लिए हम थोड़ी पैदा हुए। ये बात जाकर आप मेरे हस्बैंड और फादर इन लॉ को समझाइए। हाँ हाँ जरूर, जिनको समझाना है समझाएंगे, जिनको सुनाना है सुनाएंगे, और जिनको सुधारना है सुधारेंगे। हम तुम्हारी मदद के लिए ही तो यहाँ आए हैं। करेक्ट, लेकिन सबसे पहले तुम्हें जरूरत है एक सेक्रेटरी की, जो तुम्हारे काम में हाथ बटाए, जो तुम्हारा बोझ हल्का करे, और इसके लिए सेवा में हाजिर है मेरी धर्म पत्नी श्रीमती पार्वती देवी। देखने में बुद्धू लगती है, मगर है बड़ी बुद्धिशाली। काफी भारी डिग्री है इनके पास, BA ऑनर्स। और ये है मेरे पतिदेव श्रीमान शंकरलाल। शक्ल से तो भोले शंकर नजर आते हैं, मगर है हरफन मौला, डबल में है। जिस कमाल से ये तुम्हें दुनिया की हिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, उसी धमाल से ये भिंडी तुम्हें पका सकते हैं। जब तुम घर से बाहर जाओगी तो ये तुम्हारे बच्चे की देखभाल करेंगे, और जब तुम वापस आओगी तो ये तुम्हें अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाएंगे। लगता है बहुरानी को हमारी काबिलियत पर शक है श्रीमती जी। तो आप दिखा दीजिए अपना कमाल।